विधानसभा ने चूंटी ले हवे कांग्रेस नेताओं सूरत में आ रहा है। एक बाद एक नेता छेल्ला 15-20 दिवस पत्रकार परिषद संबोधी रहा है। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की निष्फळताओं लोग समक्ष लावानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे, जेमां कायदाओ व्यवस्था होय, मोंઘવારી होय, शिक्षण होय के आरोग्य लक्षी सेवाओनी वात, तमाम मुद्दाओने गोठवामां आवी रह्या छे। કોંગ્રેસના અનેક ધારાસભ્યો અને નેતાઓને તોડીને ભાજપમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે। ભાજપ બીમસ્વર રીતે લોકતંત્રની હત્યા કરી રહ્યું છે। ઓપરેશન લોટસ કરવામાં આવ્યું અને અમારા નેતાઓને ભાજપ તોડીને લઈ ગયો છે। આ માત્ર ગુજરાતમાં આજે નહીં પરંતુ આખા દેશમાં આ પ્રકારે થાય છે। મહારાષ્ટ્રની અંદર પણ આપ જાણો છો શિવસેનાના ધારાસભ્યોને તોડવામાં આવ્યા હતા। બિહાર ઝારખંડમાં પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। જો ભાજપની સરકાર નથી હોતી ત્યાં આ જ કામ કરે છે। જો આકલન આ રહા હે ઉસસે સાફ હે कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और लगभग दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस आ रही। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये सारे जो मीडिया है, स्वतंत्र एजेंसीज हैं, उनका आकलन। भाजपा की सरकार में देश में महंगाई पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेरोजगारी 47 साल का, जिस तरह बेचा जा रहा है उसमें भारत माता की जो संपत्ति है वो कुछ तिजोरियों में भेजी जा रही है। कुल मिलाकर राष्ट्र में जो डॉलर और रुपए के बीच का अंतर है वो दिखाता है कि भारत की साख कितनी गिरी है आर्थिक जगत में। जहाँ तक सवाल है गुजरात का, हमने यहाँ जो 8 सूत्री बातें रखी हैं, जो हमारा संकल्प है कि हम पेंशन व्यवस्था फिर से लागू करेंगे जो पुरानी थी, जैसा हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां हमारी सरकार किया है। बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये प्रतिमास देंगे, 500 से 1000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी, सरकारी अस्पताल में 10 लाख तक मुफ्त इलाज और 5 लाख का बीमा, सरकारी नौकरी में यह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे और 10 लाख पद भरेंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि 27 साल में जो कुछ कांग्रेस ने किया था भाजपा में उसमें गिरावट आई है, कम हुआ है, गुजरात की जनता का हित नहीं हुआ है। पर प्रांतियों के साथ उपेक्षा का भाव है, उनको ना सुविधाएं दी जा रही, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ट्रेन भी यहाँ से एक ही जाती है जबकि रेल मंत्री भी इसी क्षेत्र की हैं। तो कुल मिलाकर उनका प्रतिनिधित्व हमने तो 3 दिया है, उनकी चिकित्सा सुविधा, उनकी शिक्षा के लिए कोई हिंदी भाषी यहाँ पे कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का। तो चारों तरफ जो गिरावट है वो इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा, हमारा संकल्प मुख्य मुद्दा होगा और हमें विश्वास है कि 27 साल का पाप का युग खत्म होगा और कांग्रेस की वापसी होगी।